टाइम देखो यार, क्या टाइम हो रहा है, 12:12। मैंने ये मतलब देख के ना डायरेक्ट सडनली फोन ऑन किया और ये टाइम मिला। भाई साहब कॉपीराइट आ जाएगा, कहाँ गया ये? अभी भी हमारा लोकेशन यहाँ से 2.5 घंटा आगे, मैं भी ये ट्रेन 4 से 4.5 घंटा लेट हो गया। अब तक जो ट्रेन लेट होता था वो सिर्फ मेरे गांव जाता था, लेकिन अब सारी के सारी ट्रेनें लेट हो रही है। क्या कर रहा है अभी, पूरा दुकान खरीद ले गया मौसी का? नहीं ना, एक दिन में कोई बात नहीं, आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बनाइए। ऐसे हम ये किचन में आए थे, चलो इनका पूरा सेक्शन ही अलग रहता है भाई। देखो भाई साहब, यहाँ पे आपको टाइम दिख रहा है 44% हो चुका है, और ये पिछले 2.5 घंटे से ब्लॉग में अपलोड कर रहा हूँ। ट्रेन में भी क्या है, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, नेटवर्क आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। फाइनली 9 बजे जहाँ हम आने वाले तो वहाँ पे आ रहे हैं एग्जैक्ट 3 बजे। सारा सामान बाहर लेके आ गया है, अब इंतजार है कि भाई जल्दी से आ जाए स्टेशन और हम अपने मंजिल पे उतरे। फाइनली विजयवाड़ा जंक्शन पहुँच गए, ये देखो कैसे सामान लेके चल रहे हैं सभी लोग। सो सभी के पास अपना अपना सामान है, इनके पास भी अपना सामान है, इनके पास भी है और मेरे पास भी है। तो कैसे सामान हमने डिवाइड कर लिया था भाई, किसी का चप्पल लेके मत चलो यार। चलो अब देखते हैं, अब देखते हैं कि भाई लोकेशन कैसा है। सो बाहर देख रहे हो आप, मतलब विजयवाड़ा स्टेशन बाहर से स्टेशन नहीं लगता, ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई होटल है, वो भी 4 स्टार 5 स्टार होटल तो लगता है। लेकिन बाहर देखो तिरंगा कितना प्यारा। यस ब्रो सी दिस, स्टेशन देखो कैसा लग रहा है तुमको बताओ। और ये स्टेशन लग रहा है क्या? सबसे अच्छा तो वो अपना भारत का झंडा लग रहा है उस, और उसके नीचे देखो अपना पुराना ट्रेन। ये देखो भाई साहब अभी आएगा, ये दिखा अम्बेडकर सर। हम सबसे पहले इस रूम में आए, इस रूम में यहाँ पे डबल बेड और देखो वहाँ डबल बेड, ऊपर डबल बेड, मतलब टोटल 8 लोगों का कमरा है ये। और बहुत ही प्यारा यहाँ पे ये स्टेप बना हुआ है, बहुत ही मतलब जैसे हम इसके अंदर है हर जगह देखो बैग, यहाँ बैग, यहाँ बैग, यहाँ पे चार्जिंग पे लगा दिया सारे डिवाइस, वहाँ पे चार्जिंग, उसके ऊपर वहाँ भी चार्जिंग है, वहाँ भी चार्जिंग है। क्योंकि भाई हमारे साथ इतने सारे अनएक्सपेक्टेड मोमेंट हो रहे हैं, जो भी अच्छे अच्छे हो रहे, मजा आ रहा है। ट्रेन लेट, ट्रेन में फोटोग्राफर मिल गया, ट्रेन का सफर बहुत अच्छा रहा और यहाँ पे आए एकदम शानदार। हम सोच रहे थे कि हम रिक्शा में आएंगे, लेकिन क्या भाई टाटा में बैठ गया, मतलब जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पे आ चुके भाई एकदम, मतलब पूरा है साउथ पूरा भरा पड़ा है एकदम लाजवाब। अंकल डाल देना थोड़ा, दाल तो बहुत गाढ़ा है यार, दाल कम दही ज़्यादा अच्छा लग रही है। भिंडी हाँ भिंडी, भेंडा क्या बोलते उसको, भेंडा ठीक है। ये हम जिस इलाके में आए हैं, इलाका तो बहुत शानदार है, पैसा ही पैसा है यहाँ पे। अभी हम यहाँ पे आए 2-3 दुकान ढूंढने के लिए, ऑयल लेने के लिए, क्योंकि ये दो चीज़ हम भूल चुके हैं। मुझे लगता है यार मार्केट इस तरफ होगा दोस्त, या वहाँ भी दिख रहा है। हाँ सो चलते चलते तो मैं मेन रोड पे आ गया, और मैं आपको बता दूँ इसी मेन रोड से जब मैं ऑल इंडिया राइड पे था तो भाई इसी रोड से अपनी बाइक लेके गया था, और आज देखो 2 साल के बाद इसी रोड पे मैं पैदल घूम रहा हूँ और यहाँ पे काम करने आया हूँ। तो यहाँ पे हम वो दुकान ढूंढ रहे हैं जहाँ पे हमें तेल मिलेगा, शैम्पू मिलेगा। ट्रेन में जो चाय मिला था उसमें खाली चाय था, मतलब टेस्ट नहीं था। और अभी जाके हमें इस मेन रोड पे, मतलब मेन रोड पे जो है पूरे ब्रांडेड दुकानें हैं, और यहाँ पे एक मॉल भी है, और यहाँ पे एक प्यारा सा चाय का दुकान मिला जहाँ पे हमने
मौका छोड़ा नहीं, तो हम चाय और ये कॉफी पी लेते हैं और शाम को आके जो यहाँ पे शॉपिंग भी कर लेंगे। जैसे कि एक एक दो शर्ट ले लूंगा, मतलब एक शर्ट में एक शर्ट हमारे बॉस। वैसे वैसे हमने 20 रुपए की चाय पी और हम जिस इलाके में आपको बताया कि यहाँ पे बहुत से बड़े बड़े दुकान है, बड़े बड़े ब्रांड है, अब हमको एक शर्ट लेना था क्योंकि मैं हमेशा शर्ट पहनता हूँ। टी शर्ट में थोड़ा अजीब लग रहा था, सुबह बहुत भागम दौड़ी था, अब आ गए यहाँ पे हम 24 घंटे ट्रैवल करके, अब शर्ट लेना है। चले गए दुकान में, मॉल में, एक शर्ट पसंद आया, भाई को बताया, भाई बोला बहुत बढ़िया है पर मजा नहीं आ रहा, पर मुझे बहुत अच्छा लगा। जब प्राइस देखा मुझे लगा यार 1500 होगा 2000 होगा ले लेंगे, लेकिन जैसे प्राइस देखा 10,500 रुपया। उधर ही बोला मैं, भाई इसमें का कोई सस्ता वाला है क्या? बोलते हाँ उस कोने में, बट खतरनाक था यार। विकास, विकास यहाँ भी नहीं है और रूम के अंदर देखो क्या हाल हो गया भाई। विकास, यस यस, देखो हम विजयवाड़ा की सड़कों पे घूम रहे हैं, ओके, और अंदर पीछे वहाँ पे हॉल में हमारा काम चल रहा है, और ये जो मेन रोड है यहाँ पे आपको बाहर देखो शाम के टाइम पे एक अलग ही नजर आ जाता है, बड़ी बड़ी बैनर्स, बड़े बड़े लाइट्स, और इन लाइट्स में हम हल्के दिख रहे हैं यहाँ पे। वैसे फर्स्ट डे मेहंदी का है, तो मेहंदी में क्या होता है कि मेहंदी स्टार्ट होने से पहले थोड़ा शूट हो जाता है, एक बार मेहंदी स्टार्ट हो गया भाई छोड़ दो, स्टार्टिंग का थोड़ा शूट करना होता है और बीच में थोड़ा सा और सीधा एंड, तो मेहंदी में थोड़ा आराम रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा काम हल्दी, संगीत और वेडिंग, और उससे ज़्यादा रिसेप्शन, एक ही जगह पे खड़ा होना होता है। यहाँ क्या बिरयानी है? हाँ कुछ तो है बिरयानी। वैसे हम बाहर घूम के आए और देखो भाई जो यहाँ पे खाना है ना यार मज़ा आ गया। यहाँ पे ये खट्टी, मतलब खट्टी वाली चावल, दाल खिचड़ी, रोटी, भाई साहब क्या कहें हम, जल्दी विकास पटपट लो यार, मज़ा आ गया, एकदम साउथ का मज़ा आ रहा है फुल टू, क्या कहें विकास। देखिए हमारे पास क्या है, क्या है खाने के लिए, देखो क्या है, ये देखो विकास यही खाएगा और हम ये सब खाएंगे। सीधे अपने रूम में, हाँ सीधे आँख बंद करके चलो। फाइनली खाना रूम में लेके आ गए और यहाँ पे अपना कैमरा, सोने के लिए तो इतना जगह है तो भाई तू कहाँ सोएगा, ऊपर ऊपर सोएगा पहले वाले पे, भाई साहब मैं कहाँ सोऊंगा पता नहीं, लेकिन सारा कैमरा हम एक बेड पे डालेंगे और अपने से सो के फोटो निकालेंगे, वीडियो मतलब फोटो देखा है ना, कैमरा रख के ना ट्राई करेंगे कैसा आता है, ऑफकोर्स ऊपर से लेंगे यार, मस्त था। और देखिए यार सो अच्छी बात ये है कि भाई इतना अच्छा रूम मिला है, ये देखो सारे कैमरा देखो कैसे यहाँ पे रखे गए, सबका कैप किधर है कुछ समझ नहीं आ रहा दोस्त, इसका कैप किधर है, इसका कैप किधर है प्लीज ढूंढो जरा, कैप गुम हो जाएगा तो बहुत लफड़ा हो जाएगा। हाँ सारे लेंस के कैप ढूंढो, तो पता है टाइम कितना हो गया है शूट करते करते, इतना ट्रैवलिंग करके आओ, ये देखो भाई 1:18 हो रहा है। लाइट ऑन करो, लाइट ऑन करो, गुड मॉर्निंग गाइस। 2:00 सो के सुबह 8:00 उठ के शूट खत्म भी हो गया एक पार्ट, और यहाँ पे जो भाई खाना और जो नाश्ता मिल रहा है उसमें जो मज़ा आ रहा है बाहर जाने का मन ही नहीं कर रहा है। ये भाई तो भाई मतलब बोलता है कि भाई मुझे चाहिए तो चाहिए, यहाँ का ही खाना चाहिए क्योंकि भाई टेस्ट में और क्वालिटी में A1 है। तो ये देखो यहाँ बैठ चुके, ये भाई तो चुपचाप खा रहा है यहाँ पे, पूरा गाँव का है ना जी। हाँ यही वो व्यक्ति जो एसी खराब करता है रात को और कहता है आप भी ठीक करके देते हैं, आप भी ठीक करके देते हैं, आप भी ठीक करके देते हैं, जल्दी ठीक करके दो, खराब हो गया।
आजा भाई यहाँ पे। तो अभी ये जो अपना मिनी टू ड्रोन है, इसको लेके मुझे 1.5 साल हो गया, और 1.5 साल में मैंने इसे इतना फ्लाई किया कि आपको पता है, ऑल इंडिया राइड पे, और सॉरी ऑल इंडिया राइड पे मेरे पास कोई ड्रोन नहीं था, पर लेने की पूरी कोशिश किया था। चार धाम राइड पे मैंने चारों धाम पे ड्रोन उड़ाया था, और डेली ड्रोन उड़ाया था, और डेली ड्रोन शूट दिखाया था। बहुत साथ दिया इसने और अभी भी साथ दे रहा है, लेकिन अब जो है इसका एक एक्सीडेंट होने के बाद थोड़ा सा गिम्बल का काम आ चुका है। थोड़ा गिम्बल स्टार्टिंग में हल्का सा शेक करता है, देन बाद में वो ठीक हो जाता है। उसका भी हम काम कराएंगे, और सब कुछ प्लानिंग मेरा एकदम प्रॉपर रहा ना तो एक व्हीकल में सेल कर दूंगा, और ऑनेस्टली एक अच्छा प्रोफेशनल ड्रोन लूंगा जो कि 15 किलोमीटर का रेंज देगा। मतलब मैं एक जगह से फ्लाई करूंगा वो 15 किलोमीटर दूर जाएगा, तो सोचो कितने अमेजिंग और अच्छे शॉट ले सकते हो, जहां पे हमें ड्रोन का मतलब लोग हमें प्रॉब्लम देते हैं, लेकिन अदरवाइज कोई बड़ा आदमी आ गया तो वो शूट कर सकता है, लेकिन हम नहीं शूट कर सकते वहां पे। ओके, सो वैसे शॉट में लेके आपको दिखाऊंगा, लेकिन वो इलीगल नहीं रहेगा, मतलब जस्ट लाइक अ टूरिस्ट प्लेस हो गया, कोई अच्छा सिटी हो गया, वो हम आपको दिखा सकते हैं। सो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूं। डे 3 यहीं पे खत्म हो रहा है। मैंने 2 दिन का व्लॉग एक साथ मिक्स करके आपको दिखाया, और व्लॉग थोड़ा लेट आ रहा है, उसके लिए सॉरी, बट ट्राई कर रहा हूँ कि मैं डेली व्लॉग कुछ भी करके डालूं कि आप लोग देखें। मिलते हैं जल्दी दूसरे व्लॉग में। विजयवाड़ा।